नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अक्सर कुछ पेशेंट और कुछ दोस्तों प्रैक्टिशनर हैं जो कि सवाल करते हैं कि सर, हमें अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, अडल्ट व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है वो देने के बाद भी अगर कॉन्स्टिपेशन खत्म ना हो, तो कौन ऐसे मेडिसिन है जिस मेडिसिन का यूज करके हम बच्चों में एवं बड़ों में कॉन्स्टिपेशन खत्म कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपका सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में हम ऐसे सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं जिस सिरप का दोस्तों इस्तेमाल से बड़े एवं बच्चों में कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है। जिस सिरप का नाम है दोस्तों सोडियम पिकोसल्फेट सिरप। इस सिरप के बारे में इस वीडियो में फुल रिव्यू करेंगे, फुल जानकारी लेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, दोस्तों आप वीडियो देख पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं सोडियम पिकोसल्फेट के बारे में। तो यह दोस्तों एक लैक्सेटिव मेडिसिन है। लैक्सेटिव मेडिसिन क्या होती है? लैक्सेटिव का मतलब होता है हमारा जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है जिसमें जो मल है दोस्तों वो जाता है रेक्टम के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। उस बड़ी आंत के मूवमेंट के दोस्तों तेज कर देता है। मूवमेंट मतलब क्या? एक मूवमेंट होती है हमारी आंतों का जिसे हम बोलते हैं वोवेल मूवमेंट। वोवेल मूवमेंट वह होती है जैसे कि हम कुछ भी जब खाना खाते हैं तो वो भोजन हमारे मुंह के द्वारा होते हुए हमारे स्टोमक में जाती है। स्टोमक में जाने के बाद छोटी इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत में उस भोजन के अंदर जो भी पौष्टिक तत्व होता है वो हमारे लीवर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है दोस्तों वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल है धीरे 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 मूवमेंट करता है, जिसे ही हम बोलते हैं दोस्तों वोवेल मूवमेंट। वो मूवमेंट होते 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 रेक्टम यानी मलाशय में जाता है और कुछ समय बाद हमें जब सांस लगती है तो हमारे बॉडी से वो मल बाहर निकलता है। यही दोस्तों सारा खेल है वोवेल मूवमेंट का। अगर वोवेल मूवमेंट स्लो हो जाती है तो मल जो है कि लार्ज इंटेस्टाइन में काफ़ी समय तक रहता है, और जब काफ़ी समय तक रहती है तो उसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ है, जो चिपचिपा पदार्थ है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो मल हमारा ठोस हो जाता है। जब ठोस हो जाती है तो दोस्तों निकल नहीं पाता है हमारे बॉडी से बाहर। और ऐसा कंडीशन बच्चों में भी दोस्तों होती है। जब बोवेल मूवमेंट डाउन हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, तो मल जो है लार्ज इंटेस्टाइन में काफ़ी समय तक रहता है, जिससे कि बच्चों में ये प्रोसेस से कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा दिखाई दे। तो दोस्तों इस कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए इस सोडियम पिकोसल्फेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति को सर्जरी होना है तो सर्जरी होने से पहले भी इस सोडियम पिकोसल्फेट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोस्तों और जब सर्जरी होगी और आंत में मल रहेगा तो सर्जरी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो उस बड़ी आंत को क्लियर करने के लिए इस सोडियम पिकोसल्फेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोलोनोस्कोपी कराना है यानी बड़ी आंत की जांच करवानी है दूरबीन के माध्यम से, तो उस कंडीशन में भी इस सोडियम पिकोसल्फेट का यूज़ किया जाता है, जिससे कि कोलोन खाली हो जाए और उसमें माइक्रोस्कोप जो है बेहतर तरीके से जा पाए और व्यक्ति का माइक्रोस्कोपी बेहतर तरीके से हो और अच्छे रिजल्ट मिल करके आए। सो दोस्तों ये सारी इसके यूजेज हैं। अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में कि किस तरीके से इसके डोज होते हैं, तो इसके जो स्ट्रेंथ होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। पहला स्ट्रेंथ 2.5 mg का होता है पर 5 ml। दूसरी स्ट्रेंथ जो होती है 5 mg का पर 5 ml। दोस्तों यह दोनों स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ बच्चों के लिए है, दूसरी स्ट्रेंथ बड़ों के लिए है। इस प्रकार से इसका डोज दिए जाते हैं। बच्चों में 2.5 mg पर 5 ml उसकी डोज कैलकुलेशन करके दिया जाता है एज एवं वेट के हिसाब से। एवं अडल्ट व्यक्तियों में, ज़्यादा अडल्ट व्यक्ति है, वजन ठीक है, उम्र ठीक है, तो उस व्यक्तियों में 5 ml पर 5 ml का जो डोज होती है उसको भी कैलकुलेट करके ज़्यादा या कम, इस प्रकार से दोस्तों इसके डोज को कैलकुलेट करके दिए जाते हैं। दोस्तों इसके मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, जो ब्रांड नेम की सहायता से आपको किसी मेडिकल स्टोर में सिर्फ देखने को मिलेंगे,
जो ब्रांड नेम है दोस्तों वो इस प्रकार से है। सबसे पहला पिकलिन सिरफ, लैक्पो सिरफ, पिकनोम सिरफ, क्रेमलेक सिरफ, यह कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। जिस ब्रांड नेम की सहायता से आप कोई भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे, ये ब्रांड नेम बोलेंगे तो आपको यह सिरफ मिल जाएगी। इस सिरफ में दोस्तों सोडियम पिकोसल्फेट कंपोजिशन होगी। दोस्तों इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को क्लोन संबंधित किसी भी प्रकार का बीमारी हो, पेट संबंधित किसी भी प्रकार का बीमारी हो, उस व्यक्तियों में इस सिरफ का सेवन नहीं करना है। दूसरी चीज़ें, अगर किसी व्यक्ति को पेट संबंधित कोई बीमारी हो, उन व्यक्तियों में भी इस सिरप का सेवन नहीं करना है। तीसरी चीज़ें, जो व्यक्ति ज़्यादा शराब पीते हैं उन व्यक्तियों में भी इस सिरप का सेवन नहीं करना। बात रही प्रेगनेंसी एवं ब्रेस्ट फीडिंग की, तो डॉक्टर से सलाह से करना है। वैसे तो ये सुरक्षित है, लेकिन दोस्तों डॉक्टर की सलाह से करना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नौजिया होना, वोमिटिंग होना एवं पेट अपसेट लग सकती है, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर इनमें से किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो दोस्तों डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सो दोस्तों ये थी जानकारी सोडियम पिकोसल्फेट के बारे में। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।